हे वेलकम गाइज, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल काइट लवर के बीच में। गाइज, आपने लास्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया जो मैंने पतंग बनाई थी न्यूज़पेपर के साथ, और आप में से अब काफ़ी लोगों ने ये कमेंट किया था कि सर वो काइट तो बहुत अच्छी थी लेकिन हमें एक ऐसी काइट बना के दिखाइए न्यूज़पेपर के साथ भाई जो खींच के लिए बड़ी ही अच्छी काइट हो। यानी कहने का मतलब मेरा ये है भाई, ऐसी पतंग जो न्यूज़पेपर से बनेगी और जो खींच के लिए होगी, स्पेशल ढील के लिए नहीं होगी, क्योंकि आपको पता खींच के लिए एकदम स्ट्रेट पतंग चाहिए जो खींचा मारते हो ऐसे एकदम सीधे के लिए नहीं निकले, ना कि ऐसे आपने खींच मारा थोड़ी गई और फिर घूम गई, ऐसी पतंग नहीं चलती खींच में। तो आज जो मैं पतंग बनाने जा रहा हूँ वो है हमारी खींच मार पतंग बाय द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर। तो चलिए सबसे पहले आप मैं आपको बता देता हूँ भाई आपको किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है और हम इसको कैसे तैयार करेंगे। तो चलिए देखिए। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको देखिए क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी खींच मार पतंग बनाने के लिए। सबसे पहले तो आपको एक अखबार की जरूरत पड़ेगी, और जो अखबार आपको लेना है वो डबल साइडेड अखबार लेना है, यानी दोनों साइडेड होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब मेरा है, जैसे ये डबल साइडेड अखबार हो चुका है मेरे पास यहाँ पर, मैं इसको साइड में रख देता हूँ, जिसके दोनों साइड हो ऐसे, इस तरह का आपको अखबार लेना है यहाँ पर। उसके बाद आपको टेप की जरूरत पड़ेगी, चाहो आप टेप ले सकते हैं, फेविकोल ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका यूज़ कर सकते हो। सीजर की जरूरत पड़ेगी कटिंग के लिए, और फिर आपको तिल्ले चाहिए होंगे। अब तिल्लों में यहाँ पर चाहो तो आप पुरानी पतंग के तिल्ले ले सकते हो या फिर झाड़ू के तिल्ले ले सकते हो। अब इस केस में मैं झाड़ू के तिल्ले ले लूँ क्योंकि मेरे पास पुरानी पतंग कोई नहीं है यहाँ पर, तो मैं झाड़ू के तिल्ले से ही इसको पतंग को बनाऊँगा। तो देखिए सबसे पहले कटिंग कैसे करनी है उसको देख लीजिए। तो ये मैंने डबल साइडेड न्यूज़पेपर ऐसे बैंड हुआ पड़ा है ये आपस में इस तरह से। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये जो कॉर्नर है मेरा, ये कॉर्नर और ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से इस तरह से दो उंगली रख के यहाँ पर यहाँ तक मुझे यहाँ से पकड़ के बैंड कर देना है इसको ऐसे। ठीक है गाइस, यहाँ से ये बैंड हो गया मेरे यहाँ से यहाँ इस तरह से। ठीक है, यह चीज़ मेरा बैंड हो चुका है। अब मुझे ये कर देना है कट डाउन इस पोर्शन को, तो मैं सीज़र की हेल्प से इसको कर देता हूँ कटिंग। तो मैंने सीज़र की हेल्प से इसकी कर दी है यहाँ पर कटिंग, बड़े ही ध्यान से आपको कट डाउन करना है, क्योंकि अगर आपकी कटिंग गलत हुई तो आपकी सारी की सारी पतंग की जो मेहनत है वो सब गलत जाएगी, यानी वो सही नहीं बनेगी फिर आपकी पतंग। देख गाइस, ये कटिंग मैंने यहाँ पर इस तरह से की, यहाँ पर ये पोर्शन अब देखिए इस तरह का बन गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से ये जो कॉर्नर है और ये जो लास्ट वाला कॉर्नर है इसको आपस में मिला देना है। तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये मैंने यहाँ पर इसको मिला दिया इस तरह से, ये चीज़। ठीक है गाइस, यहाँ पर ये, और चाहो तो आप इसको थोड़ा छोटा होर कर सकते हो, जैसे मैंने एक कॉर्नर मिलाया था, आप कॉर्नर के बजाय थोड़ा सा ऊपर ऐसे दो उंगली रख के ये जो पोर्शन है ये कॉर्नर इसको बना दो, और इसको ऐसे यहाँ से मिला सकते हैं इसको, चाहो आप ऐसा कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है यहाँ पर इस तरह से। ये चीज़ हो गई हमारे पास, ठीक है, एकदम कॉर्नर में यहाँ से यहाँ ये, ठीक है ये चीज़। अब आपको क्या करना है, ये जो पोर्शन है इस साइड वाला इसको मैं कट डाउन कर देता हूँ हेल्प सीजर की मदद से, इसको मैं कट डाउन कर देता हूँ यहाँ पर, बड़े ही ध्यान से आपको कट डाउन करना है यहाँ, क्योंकि अगर सही कट डाउन नहीं हुआ तो मैंने पहले बताया जो हमें शेप चाहिए वो शेप हमें नहीं मिलेगी यहाँ पर। तो देखिए गाइस, कट डाउन होने के बाद कुछ इस तरह की शेप आपको आएगी यहाँ पर इस तरह से, और मैं इसको जब ओपन करूँगा तो ये मेरे पास शेप यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद तो हमें एक स्ट्रेट तिल्ला चाहिए और एक गोल का तिल्ला चाहिए यहाँ पर। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको साइड रखता हूँ और झाड़ू से मैं एक तिल्ला ढूंढता हूँ जो एक स्ट्रेट तिल्ला हो और एक गोलाई का तिल्ला हो। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेट तिल्ला ढूंढूंगा जो थोड़ा ऊपर से भी मोटा हो। तो देखिए पहली बारी में मुझे स्ट्रेट तिल्ला मिल गया जो ऊपर से भी थोड़ा मोटा है और नीचे से भी है। तो ये देखिए यहाँ पर, उसके बाद मुझे गोलाई के तिल्ले के लिए दो तिल्ले की जरूरत पड़ेगी ताकि दो तिल्लों को जोड़ के मैं गोल तिल्ला बना सकूं। तो दो तिल्ले मैं लूँगा, थोड़े मोटे मोटे से तिल्ले मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, ताकि दो तिल्लों को जोड़ के मैं एक बड़ा तिल्ला जनरेट कर सकूं और जो बिल्कुल सही हो। तो ये मैंने एक तिल्ला यहाँ पर लिया, काफ़ी बढ़िया तिल्ला है ये, और एक और मैं तिल्ला ले लेता हूँ इसी के जितना, ताकि बैलेंस रहे, वरना एक साइड घूमेगी अगर हमारी पतंग भारी बन गई तो। तो ये मैंने नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं। तो देखिए ढूंढना है आपको, तो ये देखिए गाइस, ये मुझे यहाँ पर तिल्ला मिला है जो बिल्कुल ही, इधर से मैं थोड़ा इसको तोड़ लूँगा, ये ऐसे है ये चीज़ है, और इसको मैंने यहाँ से तोड़ लिया। तो देखिए यहाँ से बिल्कुल ही सही है ये तिल्ला। तो
तो बाकी के मैं इधर झाड़ू को रख देता हूँ एक साइड में। अब मुझे क्या करना होगा, ये जो मेरे पास तिल्ले हैं स्ट्रेट तिल्ले के, तो मैं साइड रख देता हूँ ये स्ट्रेट तिल्ले इधर। अब मैं जो गोल के लिए तिल्ले हैं तो दोनों का अपोजिट साइड रखूँगा, इसका जो मोटे वाला फेस है इस साइड, इसका मोटे वाला फेस अपोजिट साइड, और इन दोनों को इस तरह से ऐसे जोड़ के इस तरह से करके देखूँगा यहाँ पर जहाँ पर भी ये फिट बैठेंगे। तो मैं यहाँ पर गया, थोड़ा थोड़ा पहले मैं इनको तोड़ देता हूँ साइडों में से, ये मैंने साइडों में से इसको तोड़ लिया। अब देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ना है और फिर करके ऐसे रख के देखना भी, यहाँ पर रखा और ये देखिए ये बिल्कुल सही पोजीशन आ चुकी है इनकी। ये देखिए गाइस यहाँ पर ये वाली चीज़ देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट शेप हमें मिल चुकी है। अब यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, जहाँ से ये मेरे आपस में हो रहे हैं यहाँ पर मैं कर देता हूँ इनको टेपिंग। तो देखिए अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ इनको टेपिंग, तो टेप लूँगा पहले मैं इनको यहाँ पर रख लेता हूँ ऐसे, और मैं इनका टेप लेता हूँ और टेप से इनको जोड़ देता हूँ। तो मैंने यहाँ टेप ली, इनको आपस में पकड़ा और इस तरह से मैंने थोड़ा जोड़ दिया इनको इस साइड से, सेम वे में थोड़ा सा साइड से जोड़ देते हैं हम। मैं इस पर टेप रख देता हूँ, हवा चल रही है यहाँ पर थोड़ी तेज, तो यहाँ पर ये रखा मैंने ऐसे और इसको जोड़ दिया हमने साइड से। इसी तरह से मैं इधर से भी जोड़ देता हूँ इसको, यहाँ से मैंने रखा इसको आपस में और ये मैंने यहाँ से इसको जोड़ दिया। ठीक है गाइस, अब ये जो साइडों का पोर्शन है जैसे ये बच गया इसको आप तोड़ सकते हो यहाँ से, सेम वे में जो इधर से बच गया थोड़ा पोर्शन इसको आप तोड़ सकते हो यहाँ से ऐसे। ठीक है गाइस, अब देखिए ये हमारा तिल्ला बना है गोल वाला और ये देखिए बिल्कुल ही एग्जैक्ट यहाँ पर आ रहा है, अगर देख पा रहे हो तो ये देख, जैसे अब ये थोड़ा सा इस साइड से थोड़ा बड़ा हो गया, उसको जब मैं जोड़ूंगा फिर मैं इसको तोड़ सकता हूँ यहाँ से, हल्का सा मैं इसको तोड़ लूँगा इधर से। तो चले सबसे पहले मैं अपना स्ट्रेट तिल्ले को लगा देता हूँ यहाँ पर, तो स्ट्रेट तिल्ले को सही कर लेते हैं। नीचे से थोड़ा ख़राब पोर्शन इसको मैं तोड़ लेता हूँ यहाँ। ठीक है गाइस, यहाँ रखा मैंने और इस तरह से करके ये यहाँ तक। तो चलिए अब मैं पहले इसको जोड़ देता हूँ इस रेड कलर के टेप के साथ, मैं इसको जोड़ देता हूँ यहाँ। ये देखिए गाइस, इस तरह से आपको ये जोड़ लेना है यहाँ पर, बीच में भी एक टेप लगा लेनी है आपको। ये चीज़ हमारे जुड़ चुका है। अब हमें क्या करना है, जो गोल वाला तिल्ला था उसको जोड़ना है अब हमको। तो गोल वाले तिल्ले के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस तरह से तिल्ले को रखूँगा और ऐसे जोड़ूंगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा तोड़ देता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था ये जब मैं इसको जोड़ रहा हूँ तो थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रहा है, अगर आप देख सकते हो तो। ये देखिए यहाँ से ऐसे, चाहो तो अब आप या तो बेंड करना पड़ेगा इसको थोड़ा ऐसे नीचे की तरफ, या फिर ये तिल्ला थोड़ा तोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये देखिए ऐसे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक तरफ से चिपका देता हूँ इसको और फिर मैं दूसरी तरफ से इसको थोड़ा तोड़ दूँगा अगर जो बड़ा हुआ तो। तो टेप निकालनी है आपको, नीचे की तरफ टेप को पहले रखना है, यहाँ से मैंने रखा ऐसे। ठीक है गाइस, यहाँ पर इसको रखा तिल्ले को और ये यहाँ पर बेंड किया और फिर टेप को ऐसे बेंड किया, ये चीज़ हो गई यहाँ से। सेम वे में थोड़ी सी टेप लेनी है आपको फिर से, थोड़ा सा साइड का पोर्शन यहाँ पर और फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है गाइस, अब सेम वे में हम क्या करेंगे, दूसरी साइड जो है इसकी, ये वाली साइड। तो सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ भाई ये पूरा प्रॉपर आएगा या नहीं। तो देखिएगा जब ये पूरे प्रॉपर यहाँ पर हल्का सा बाहर जा रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो सिर्फ हल्का सा, ये देखिए यहाँ पर, ये देखो हल्का सा पोर्शन इसका बाहर की तरफ है। तो मुझे हल्का सा पोर्शन इसका तोड़ना पड़ेगा, तो मैं सीजर की हेल्प से इसको काट लूँगा, क्योंकि अगर मैं हाथ से तोड़ूँगा तो ये नहीं टूटेगा। तो मैं सीजर की हेल्प से इसको काट लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हल्का सा पोर्शन है ना, ये भी काफ़ी टाइट पोर्शन पड़ा है, सीजर से भी नहीं कट रहा, बड़ी मुश्किल में काटना पड़ रहा है। तो यहाँ से अभी हमने इसको काट दिया। ठीक है गाइस, अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ टेप पहले तो इस साइड में, तो टेप लगा देता हूँ पहले मैं इधर। ऐसे रखनी है टेप आपको, इस तरह से लगानी है
और फिर यहाँ से ऐसे किया आपने, और यहाँ से फिर नीचे की तरफ ऐसे, और फिर हल्की सी टेप को निकाल के ऐसे थोड़ी हॉट टेप लगा लेते हैं ताकि ये मजबूत रहे यहाँ से। तो ये चीज़ हो गया। अब हमें क्या करना है, एक टेप इधर और एक टेप इधर भी लगा देता हूँ मैं। तो यहाँ से ऐसे किया मैंने, एक टेप यहाँ पर और सेम वे में एक टेप यहाँ पर लगा देता हूँ मैं। ये चीज़ आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर काइट हमारी फ्रंट साइड देख लीजिए, बैक साइड देख लीजिए। अब हमें नीचे का जो पोर्शन है, नीचे के पोर्शन में क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पर ये कटे थे, अब चाहो तो मैंने बताया ट्रायंगल शेप लगा सकते हो, ऐसे ट्रायंगल शेप बना के यहाँ से इस तरह से ट्रायंगल शेप लगा सकते हो यहाँ पर ऐसे, या फिर ट्रायंगल शेप से अच्छा है दूसरा जो मैं करता आता हूँ अपनी पतंग में, थोड़ा सा मैं इसका पोर्शन को कट डाउन करता हूँ यहाँ से ऐसे, और फिर मैं इसको थोड़ा सा और बीच में से भी काट देता हूँ यहाँ से। अब मैं इसको थोड़ा फोल्ड करता हूँ ऐसे, और फिर मैं इसको यहाँ से साइड का थोड़ा काट लेता हूँ, फिर इस तरह से आपको कटिंग कर लेनी है ये, ताकि एक अच्छी सी शेप आए। ये देखिए अब ये इस तरह की झालर से आपको मिल जाएगी यहाँ पर, और फिर आपको ये यहाँ पर लगा देनी है। देखिए गाइस, तो ये थी हमारी काइट, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देख लीजिए अब आप, अब मैं इसका फ्लाइंग टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको।